गुड मॉर्निंग क्लास टू। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को ये बढ़िया डावर ये वाली एक्सप्लेन की थी। देखो बढ़िया डावर चैप्टर थ्री पेज नंबर 20 और 21 है ना, मैंने ये रीडिंग करके तुम लोगों को सुनाया था और बोला था इससे ये अंडरलाइन वर्ड्स जो है कुछ कठिन सब अपने क्लास को कॉपी में लिखना बोला था ना। तो आज देखो हम लोग इसी चैप्टर का शब्द अर्थ पढ़ेंगे पेज नंबर 22 में। देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को समझाया है इस तरह तुम लोग कक्षा कार्य लिखना, इस तरह चैप्टर थ्री सिर्फ चैप्टर थ्री मत लिखना, यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखना और ऐसा डेट लिखना ठीक है। उसके बाद लिखना शब्द अर्थ, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू होगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वन में हम लोग लिखे थे कुछ कठिन शब्द, ये टू होगा। ये देखो तुम्हारे बुक के पेज नंबर 22 में यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हो। तो आप देखो यहाँ पे इस तरह लिखना जैसे दोस्ती मित्रता, शब्द अर्थ लिखा उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह लिखना। यहाँ पे जगह नहीं है सिर्फ 5 है इसलिए मैंने 5 लिखा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ऑल टुगेदर 7 है, देखो नंबर वाइज 7 लिखा है, तो तुम इसको इसी तरह से 7 का लिखना ठीक है। अब देखो मैं इसको पढ़ के सुना रही हूँ। नंबर वन है दोस्ती यानी कि मित्रता, दोस्ती का मीनिंग है मित्रता, जो फ्रेंड्स होते हैं ठीक है। कोशिश प्रयास यानी कि ट्राई करना, सख्त कठोर, कठोर मीन जो हार्ड चीज होता है उसको हम लोग हिंदी में सख्त बोलते हैं उसको कठोर भी बोलते हैं। बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छा, अच्छा खाना जो होता है। दबोच लेना मीन्स पकड़ लेना। नंबर सिक्स मुलायम मीन्स सॉफ्ट जिसको बोलते हैं मुलायम ओके। और बौखलाना मीन्स परेशान होना ठीक है, कोई हम लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बौखलाना। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है उसका जो मीनिंग है बहुत लंबा है उसको मैंने नहीं दिया है ठीक है, इसको तुम लोग लिखना मत, इसको तुम लोग ऐसे ही छोड़ देना, सिर्फ मैंने 7 दिया है तुमको सिर्फ 7 ही करना है ओके। अब देखो नीचे ये जो सोचिए और बताइए ये तुमको नहीं करना है, मैं सिर्फ तुमको बता दे रही हूँ। क्वेश्चन आंसर जितना भी होगा मैं तुमको वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगी और यहाँ जो बुक में है उसको तुम बुक में ही करना, समझ में आ रही मेरी बात। देखो मैं सिर्फ एक पढ़ के सुना दे रही हूँ। कछुआ वहां से क्यों नहीं भाग पाया, क्वेश्चन नंबर ख बाघ की कोशिश करने पर भी कछुए के खरोंच तक क्यों नहीं आई, क्वेश्चन नंबर बाघ तालाब के किनारे क्यों बैठा रह गया। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको तुमको नहीं करना है, ये मैं तुमको व्हाट्सएप में भेजूंगी ओके। अब देखो ये जो करना है वो देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये जो है ठीक करना है राइट एंड रॉन्ग इसमें खोजना है, तो ये तुम अपने बुक में ही करना। तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। क्वेश्चन नंबर वन का क है कछुए की दोस्ती किससे हो गई, कछुए की दोस्ती किसके साथ थी। नंबर वन बाघ के साथ कि उल्लू के साथ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसको तुमको टिक करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर ख उल्लू किसे देखकर चिल्लाया, तो उल्लू किसे देखकर चिल्लाया, बाघ को देखकर कि कछुए को देखकर, यहाँ पर भी जो राइट आंसर है उसमें तुम्हें टिक करना है। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 23 में क्वेश्चन आंसर है इसको तुमको नहीं करना है, ये मैं भेजूंगी ठीक है। अब तुमको ये करना है ये भाषा ज्ञान देख रहे हो, यहाँ पे भाषा ज्ञान ग्रीन कलर में लिखा हुआ है भाषा ज्ञान देख रहे हो। इसका क्वेश्चन नंबर जो वन है उसमें लिखा है सख्त समान अर्थ वाले शब्द यानी कि वर्ड मीनिंग ही है इसका आंसर सेम है। सख्त मीन्स कठोर मुलायम और शीतल, यहाँ पे तीन आंसर है उसमें जिसमें सिर्फ एक खोज कर देखना है ठीक है, गोल बनाना है। नंबर टू कोशिश का क्या होगा, पकड़ना छोड़ना और प्रयास, तो कोशिश का मीनिंग क्या है वही तुमको करना है। पानी मीन्स लव जल या तेल, पानी का मीनिंग क्या है वो करना है। पेड़ का मीन वृक्ष पत्ती और टहनी, पेड़ का मतलब क्या है तुमको वो करना है। समझदार मीन्स बेवकूफ अकल और बुद्धिमान, इनका जो मीनिंग है वही करना है। अब देखो उसके बाद नीचे दिया गया है आकार की मात्रा वाले तीन शब्द देखो, जैसे देखो यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द आ आ आ का जो होता है साइन ऐसा होता है,
इसके तीन शब्द देखो बोल रहा है, जैसे इसके तीन शब्द तुमने लिखा ताला, ओके, जैसे लिखा राजा, ठीक है, इसके बाद नंबर थ्री में है तारा, ऐसा तुमको खुद तीन शब्द बना के लिखना है जो बहुत ही इजी है, ठीक है। उसके बाद छोटी की मात्रा जो कि आगे से होगी, इसका भी तुमको तीन शब्द खोज के लिखना है। तो यहाँ पे देखो बुक में यहाँ पे है, तुम खुद पहले ट्राई करना है, बहुत इजी है, या तो तुम बुक से भी खोज के लिख सकते हो या खुद अपना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो पेज को फिर टर्न करो, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 में तुम्हारा यहाँ पर भी कुछ आंसर है, देख रहे हो, इसको तुम्हें लिखना है। पहले तुम कोई भी यहाँ पर जितने भी वर्क्स है, जितना भी वर्क यहाँ पे दिया गया है, इसी तुम पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है, खुद ट्राई करना है, और तुमको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तभी तुम इसको व्हाट्सएप देखकर इसका आंसर जो मैं भेजूंगी तुमको व्हाट्सएप में, तो वो तुम अपने खुद ट्राई करने के बाद ही तुम व्हाट्सएप में आंसर लिखकर करना है, समझ में आया। तो मैं आज कुछ तुमको ज्यादा नहीं दे रही हूँ, यहीं पे तुम ये वर्ड जो शब्द है इसको तुम्हें अपने कॉपी में लिखना है, और उसके बाद जितने भी वर्क यहाँ पे है इसको तुम्हें अपने बुक में करना है, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, ओके।